हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत निकाला गया पैदल मार्च, अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में स्कूल बच्चे हुए शामिल। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत पैदल मार्च का आयोजन किया गया। यह पैदल मार्च राष्ट्रध्वज को लेकर संयुक्त कार्यालय भवन टीकमगढ़ से नजरबाग तक आयोजित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में नागरिक साथ ही पैदल मार्च में जिले के अधिकारी तथा कर्मचारी भी शामिल रहे। कलेक्टर से लेकर नजरबाग पर सिर्फ हाथों में तिरंगा ही नजर आ रहा था। कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा था कि कलेक्टर से लेकर नजरबाग तक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मार्च निकाला गया है। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने टीकमगढ़ SDM CP पटेल, जनपद CO संजीव गोस्वामी, PWD अधिकारी, SDO सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग से एडिशनल SP, SDOP कोतवाली व देहात थाने के प्रभारी और पुलिस बल, इसके साथ हजारों की संख्या बच्चों द्वारा राष्ट्र ध्वज को थामकर पैदल मार्च निकाला गया और भारत माता की जयकारों से नगर गूंज गया और हाथों में तिरंगा और देश के प्रति सम्मान की भावना नजर आ रही थी। नजरबाग में समापन कर टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। भाजपा अपने घर में तिरंगा लहराएंगे, साथ ही और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। भारत माता की जयकारा के साथ इस पैदल मार्च का समापन के लिए हजारों की संख्या में शामिल होकर सभी ने आयोजन को सफल मनाया। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट। आयोजित हर घर तिरंगा अभियान जो कि 13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है पूरे देश में, हमारे टीकमगढ़ ज़िले में भी मनाया जा रहा है, तो आज टीकमगढ़ नगर में तिरंगा पद यात्रा लोगों में जागरूकता और प्रचार प्रसार हेतु आयोजित की गई। आप देख ही रहे होंगे इसमें बहुत भारी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और विशेष रूप से सबसे ज़्यादा उत्साह हमारे स्कूली और कॉलेज के बच्चों में था, वो सम्मिलित हुए और इस अभियान को सफल मनाने के लिए शपथ ली गई कि हम 11 से 13 अगस्त तक अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि जगहों पे राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराएंगे। धन्यवाद। संयुक्त कार्यालय से लेकर